सब्सक्राइब कीजिए संदीप ज्ञान को और बेल आइकन को दबाए ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार मित्रों, संदीप ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कोई भी नौकरी मिस ना हो तो सब्सक्राइब कीजिए संदीप ज्ञान को और बेल आइकन को दबाए। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ भारतीय रिजर्व बैंक में जो 10वीं पास के लिए जो वैकेंसी आई है उसके बारे में। तो वीडियो पे चलने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो मित्रों चलते हैं वीडियो पे। तो आप देख सकते हैं ये जो वैकेंसी आई है वो RBI में निकल के आई है और जो इसकी क्वालिफिकेशन होगी वो 10वीं होगी। तो ये ऑफिस अटेंडेंट की जो वैकेंसी निकली है 526 पदों के लिए ये वैकेंसी निकल के आई है। तो आप 7 दिसंबर तक इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आप महत्वपूर्ण तिथि देख सकते हैं, इसमें जो ऑनलाइन आवेदन और टेस्ट की फीस जमा कराने की जो आरंभिक तिथि है, मतलब जो प्रारंभ हो जाएगा ऑनलाइन 17 नवंबर 2017 से फॉर्म ऑनलाइन होने जा रहा है। इसके बाद में बात कर लेते हैं ऑनलाइन आवेदन और टेस्ट फीस जमा कराने की जो अंतिम तिथि है वो 7 दिसंबर 2017 रखी गई है। इसके बाद में बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट लेने की जो अंतिम तिथि है वो 22 दिसंबर 2017 है। अब बात करते हैं ऑनलाइन टेस्ट कार्यक्रम कब हो सकता है, तो ये हो सकता है जनवरी 2018 के अंदर, दिसंबर माह के बाद और जनवरी माह में ये ऑनलाइन टेस्ट मतलब ऑनलाइन एग्जाम आपकी हो सकती है। अब देखते हैं पदों का विवरण। तो अब देख सकते हैं अहमदाबाद में 79 पोस्ट निकल के आई है, बेंगलुरु में 58 पोस्ट निकल के आई है, भोपाल में 45 पोस्ट और चंडीगढ़ में 42 पोस्ट और शिमला में 5 वैकेंसी निकल के आई है। बात कर लेते हैं चेन्नई की, तो चेन्नई से 10 वैकेंसी निकल के आई है, गुवाहाटी से 10, हैदराबाद से 27 और जम्मू से 19 वैकेंसी निकल के आई है। बात करते हैं लखनऊ की, तो लखनऊ से 13 वैकेंसी निकली है और कोलकाता से 10 वैकेंसी, मुंबई और जो नई मुंबई है उससे 159 वैकेंसी निकल के आई है। बात करते हैं पणजी की, तो पणजी से 6 वैकेंसी निकल के आई है। इसके बाद में बात करते हैं नागपुर के लिए 9 वैकेंसी, नई दिल्ली के लिए 27 वैकेंसी और तिरुवनंतपुरम के लिए 47 वैकेंसी निकल के आए थे। तमिलनाडु से कितनी वैकेंसी निकल के आई है, 47 वैकेंसी निकल आई है। अब बात करते हैं अनुभव क्या चाहिए, तो इसमें जो योग्यता है योग्यता क्या होनी चाहिए, आप मतलब उम्मीदवार अपने संबंधित राज्य संघ या राज्य क्षेत्र से मतलब 10वीं पास होना अनिवार्य है, उम्मीदवार 1 नवंबर 2017 को अंडर ग्रेजुएट होना चाहिए, स्नातक और उच्च योग्यता रखने वाले उम्मीदवार आवेदन करने के योग्य नहीं होंगे, ठीक है। इसके बाद में बात कर लेते हैं आयु की, तो आयु सीमा कितनी है इसकी, 18 से लेकर 25 तक और सरकारी नियमों के अनुसार छूट सभी आरक्षित वर्गों को छूट दी जाएगी, मतलब OBC SC ST को और जो एक्स सर्विस मैन इनको छूट दे दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया, तो चयन प्रक्रिया किस प्रकार से देश इसमें चयन प्रक्रिया किस प्रकार होता है, चयन प्रक्रिया देशव्यापी प्रतियोगिता परीक्षा ऑनलाइन टेस्ट माध्यम से होगा। इसके बाद भाषा प्रवीणता परीक्षा क्षेत्रीय भाषा में ली जाएगी, मतलब आपकी जो भाषा का जो ज्ञान है वो परखा जाएगा, मतलब क्षेत्रीय भाषा में, मतलब आप किस स्टेट से फॉर्म लगाना चाहोगे वहाँ की आपको भाषा आना अनिवार्य होगी। अब बात कर लेते हैं आप ऑनलाइन अप्लाई कहाँ से करेंगे, तो वो भी आपको हम बता देते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा RBI की जो ऑफिशियल आधिकारिक जो वेबसाइट है rbi.org.in पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड करके आप संपूर्ण जानकारी उस PDF में देख सकते हैं। तो इसके बाद में हम चलते हैं इसका जो ऑनलाइन भुगतान की जो राशि है वो कितनी रखी गई है उसके बारे में। तो मित्रों इसकी जो ऑनलाइन की भुगतान की जो राशि रखी गई है SC ST और एक्स सर्विसमैन और PWD के जो के लिए 50 रखा गया है, OBC और सामान्य उम्मीदवार को 450 रुपये फीस रखी गई है। तो ये जो वैकेंसी निकल गया है वो निकल गया है RBI से, और तो आप ये फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं यदि आप 10th पास हैं और अपने जो 1 नवंबर 2017 तक अंडर ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो मित्रों ये एग्जाम होगी ऑनलाइन होगी, एग्जाम होगी वो जनवरी माह में हो सकती है, फिलहाल संभावित डेट दिखा रखी है इसमें,
और पता नहीं एग्जाम कब होगा, लेकिन फिलहाल जो एग्जाम आपको दिखाई दे रही है हम उसी को टारगेट करते हैं। तो मित्रों आज की जानकारी कैसे लगी, और यदि और कोई भी नौकरी मिस ना हो तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, क्योंकि हम ऐसे ही लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन आपको डेली इस यूट्यूब चैनल पर दिखाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।